हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अल्पना साई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी नान खटाई की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, उसे बनाना भी बहुत इजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा। इसी सेम बाउल में मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी, 1/2 कप। साइड में रख के एक दूसरा बाउल लूंगी और मैं इस बाउल में ऐड करूंगी 1/2 कप घी। और इसी सेम बाउल में मैं ऐड करूंगी 1/2 कप शुगर पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब सारी चीजों को मिक्स करके अच्छे से फेटेंगे जब तक ये फ्लफी और क्रीमी ना बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लफी और क्रीमी हो चुका है। तो हमने जो दूसरे बाउल में मिक्सचर तैयार किया था सूजी बेसन और मैदे का, इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए इसे हम फेटेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून वैलिना एसेंस, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसे हाथों की हेल्प से गूंथ के एक सॉफ्ट डोप तैयार कर लूंगी इसका। मैंने इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। अब मैं अवन के ऑटो कुक मेन्यू में नान खटाई का प्रोग्राम सेट करूंगी। अलग अलग अवन में नान खटाई के लिए प्रोग्राम डिफरेंट होता है। LG अवन में BA7 नान खटाई का प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पर BA7 प्रोग्राम सेलेक्ट कर लूंगी। कन्वेक्शन मोड में बेकिंग होता है, इसलिए यहाँ पे मैं लोअर रैक यूज करूंगी। अब स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगी तो प्री हीटिंग देखिए स्टार्ट हो गई है। जब तक माइक्रोवेव अवन प्री हीट हो रहा है तब तक हम नान खटाई बना के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तवे को घी से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने डोप बनाया उसके छोटे छोटे बॉल्स इस तरह से बना लेंगे। इस तरह सारे बॉल्स बना के रेडी कर लूंगी। जब इसे आप प्लेट के ऊपर रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि बॉल को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें, क्योंकि जब बेक्ड होगा तो ये अपना साइज इंक्रीज करे। अब सभी नान खटाई के ऊपर इस तरह से कट मारना जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने बादाम को बीच से कट कर लिया है, तो इस तरह से मैं इसको नान खटाई के ऊपर प्लेस कर दूंगी। नान खटाई बेक्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कंप्लीट हो चुकी है तो मैं इसे स्टॉप करूंगी। तो जब आप इसे स्टॉप करेंगे तो इसमें 13 मिनट दिखा रहा है इसे बेक होने के लिए। अब मैं इसके अंदर जो हमने नान खटाई का ट्रे तैयार किया उसको रख देंगे और स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे। का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो हम माइक्रोवेव को स्टॉप करके इसके अंदर से हम ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। तो आप
आप देख सकते हैं कि नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बेक्ड हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।